जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि टीओडी को लेकर जिस तरीके से पूरा धरना प्रदर्शन पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था कुछ दो दिनों के लास्ट, इससे लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों टीओडी को लेकर। ये सारा डिटेल्स के साथ हम बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरे साथियों, एसएससी जीडी के स्पेशल में बैचेज चला रहा हूँ, आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। बैक टू बैक फ्री एंड कॉस्ट मेरा स्पेशल बैचेज चल रहा है, जिसमें से आप भाग ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसे मैं पहले बता दूं, अनअकैडमी पे 26 तारीख को, याद रखना 26 जून को 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट 100% रखा गया, जिसमें से और प्राइज 10 लाख रुपये प्राइज आप जीत सकते हैं। करना क्या होगा, सिर्फ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। सबसे पहले लिंक क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे, मेरा रेफरल कोड D93 यूज करके आप इनरोल जरूर कर लें, जिससे 26 जून को 10 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेहतरीन स्कॉलरशिप है, जिसमें से आप लैपटॉप जीत सकते हैं, मोबाइल्स, ईयरबड्स जीत सकते हैं, गिफ्ट वाचर भी जीत सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स के साथ इसमें है, आप भाग ले सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन आप लोग को एक मौका मिलेगा स्कॉलरशिप पाने का, जिसमें से भारत की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। डिफेंस हो या रेलवे हो या SSC हो या बैंकिंग हो, किसी भी प्लेटफॉर्म, PCS, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी। इससे पहले मैं बता दूं, अनअकैडमी पे बैक टू बैक मेरी जो क्लास चल रही है SSC GD प्रीवियस क्वेश्चन में करा रहा हूं, वहां पे आपको सुबह 9 बजे करंट अफेयर का सेशन मिलेगा, 11 बजे GK GS का, 1 बजे हिंदी का, 3 बजे मैथ का और शाम 7 बजे रीजनिंग का। ये सारे सेशंस आप लोग को अनअकैडमी पे फ्री एंड कॉस्ट मिलेगा, आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारी लिंक जो मैं दे रखा हूँ वो आप लोग के लिए काम का है। ठीक है, फटाफट एक बार जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितना भी बेहतरीन तरीके से आपके साथ क्लासेस हो रहे हैं वो सारे आप लोग के लिए ही टोटल 25 के 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या है इसमें बड़ा ऐलान। देखिए, बड़ा ऐलान ये कभी भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज अभी करीबन 1 मिनट पहले मेरे साथियों इंडिया के जितना वायुसेना, एयरफोर्स, नेवी और कम्प्लीटली मैं बात करूं कि इंडियन आर्मी के सभी मुख्य जो अध्यक्ष हैं, ये सभी को बुलाया गया है और बैठक है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। क्या क्या ऐलान हो सकता है मैं ये भी बता दूँ। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ था इनका एग्जाम करा लिया जाए, फर्स्ट। सेकंड, मेरे प्यारे बच्चों जिन बच्चों का, अगर मैं बात करूं एज कम्प्लीटली, क्योंकि वो अप्लाई कर रखे हैं और अप्लाई करने के बाद इनका कुछ रैलियाँ नहीं हुआ हो, इन बच्चों के लिए कुछ एक सुविधाएं देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों जिनकी ज्वाइनिंग देना हो, ज्वाइनिंग नहीं मिला हो, उन बच्चों का भी ज्वाइनिंग मिल सकता है। कुछ भी बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि अभी बैठक के लिए गई है हमारी इंडियन एयरफोर्स नेवी, जिसमें से आपको ये गाड़ी दिख रही होगी जाते हुए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे निर्णय लिए गाड़ी अंदर जाते हुए दिख रही होगी, है ना। इंडियन एयरफोर्स के प्रति भी कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो ये सारे डिटेल्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है आप लोग के हित में। तो आप लोग घबराए नहीं और किसी भी तरीका से तोड़फोड़ ना करें। हो सकता है जो हंगामा अभी लास्ट के 2 या 3 दिनों से हो रहा है, ये हंगामों पर प्रति भी कुछ बात किया जाए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी ऐसे ना करें, अपनी संपत्ति को, अपनी आर्थिक संपत्ति को ना बर्बाद करें मेरे साथियों। कहीं ना कहीं बहुत सारी क्षतियाँ हो चुकी है हमारे इस देश में, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगा। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीका से हमारे युवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो अपहृत व्यक्ति या जो घुस कर जो हंगामा करवा रहे हैं, या था अलग पार्टियां, मैं नहीं बोलूँगा किसी पार्टियां का स्पेशल नाम, प्लीज़ आप लोग उन लोग से दूर रहें, क्योंकि आप सिर्फ एक ढांचा है, कर कौन रहा है वो आपको भी पता है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट होगा मेरे साथियों कि इस तरीका से बर्बाद ना होने दें हमारा देश। ऐसा हमारी सेनाओं में, सेना में जाने वाले बंदे हमारे देश की सेवा करते, ना कि देश की संपत्तियों को बर्बाद करते हैं। तो आप एक देश के सेवा, बात बोलूँ तो एक देश के जवान हो, और ये हमारे कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता कि हमारे देश के जवान ऐसे कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट होगा हमसे मेरे प्यारे साथियों, कैसा लोगों से भी आप भड़काऊ बयान पे ना रहें और ऐसे दूर रहें ऐसे लोगों से। तो अब प्लीज़ अपने पास सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई भी तरह का किसी तरह का मैसेज आता है इसको अवॉइड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे साथियों। और कुछ भी बड़ा बयान, जैसे बड़ा बयान आएगा मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सावधान रहें, सतर्क रहें।